नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर में अब मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। शुरुआती 24 घंटे में मरीजों को कोई शुल्क नहीं देना होगा और दवाएं भी निःशुल्क मिलेंगी। हालांकि जांच के लिए अभी शुल्क देना पड़ेगा। यह सुविधा विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों और सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राहत देने वाली है। मरीजों ने भी इस नई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया है। यह सुविधा पूरे प्रदेश से आने वाले मरीजों के लिए लाभदायक होगी और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को तत्काल इलाज मिल सकेगा। केजीएमयू प्रशासन का यह कदम मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। भविष्य में जांच शुल्क भी माफ करने की योजना है, जो मरीजों के लिए और भी अधिक सहायक होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति कोटा निर्धारण को लेकर संघ और अधिकारियों के बीच मतभेद बढ़ता जा रहा है। राजकीय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिक्षा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वर्तमान में पदोन्नति कोटा में 61% पुरुष, 22% महिला और 17% DI शामिल हैं। अब प्रस्तावित संशोधन में 33% पुरुष, 33% महिला और 34% SDI कोटा करने की तैयारी है। संघ का आरोप है कि शिक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में अनुचित बदलाव कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हाल ही में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें राज्य की शिक्षक संघ के वर्तमान पदाधिकारियों को आमंत्रित नहीं किया गया। संघ ने शैक्षिक सेवा नियमावली 1992 में प्रस्तावित पदोन्नति कोटा परिवर्तन को रोकने की मांग की। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र को 5 गुना तक बढ़ाना है, जिसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। पिछले 7.5 वर्षों में पर्यटन स्थलों का कायाकल्प किया गया है और उनकी कनेक्टिविटी में सुधार के लिए परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। इस पहल का मुख्य फोकस पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना और राज्य में अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना है। सरकार पर्यटन स्थल के विकास, आधुनिकीकरण और प्रचार पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके अलावा नए पर्यटन स्थलों की पहचान और विकास भी इस योजना का हिस्सा है। यह पहल न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। सरकार का मानना है कि यह योजना उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में से एक के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक व्यापक सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है और नगरीय विकास अभिकरण यानी SUDA जल्द ही जिलों को निर्देश जारी करेगा। 2003-04 के पिछले सर्वे के अनुसार प्रदेश के शहरों में मलिन बस्तियों में रहने वालों की संख्या लगभग 119.98 लाख थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इन बस्तियों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया गया है। सर्वे का उद्देश्य वास्तविक मलिन बस्तियों की पहचान करना और अवैध बस्तियों को चिन्हित करना है। यह कदम शहरों में अवैध रूप से बस्तियां बसाने के धंधे पर रोक लगाने में मदद करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि सही मलिन बस्तियों की पहचान कर उन्हें विकास योजनाओं का लाभ दिया जाए, जिससे वहां रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार आ सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में वंचित वर्ग की छात्राओं के लिए विज्ञान और गणित शिक्षण को बेहतर बनाने की पहल की गई है। समग्र शिक्षा अभियान ने IIT गांधीनगर के जिज्ञासा कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय को एक गणित और एक विज्ञान क्यूरियोसिटी बॉक्स दिया जाएगा। विज्ञान के बॉक्स में 36 और गणित के बॉक्स में 45 शैक्षणिक सामग्रियां होंगी, जिसमें आइंस्टीन क्लॉक, बैलेंसिंग बर्ड, पिनहोल कैमरा जैसी वस्तुएं शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को रोचक खिलौनों, गतिविधियों और कहानियों के माध्यम से अनुभवात्मक तरीके से विषयों को समझाना है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी 20 कस्तूरबा विद्यालयों को यह बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और वार्डन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी बालिकाएं इनका प्रयोग करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर की लघु शस्त्र निर्माणी यानी SAF में बनने वाली मीडियम मशीन गन यानी मैक गन का यूरोप में निर्यात किया जाएगा। यूरोपीय कंपनियों को यह गन बेहद पसंद आई है और निर्माणी को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। करीब 2000 गन 3 साल में बनाकर भेजी जाएंगी। MMG 1 मिनट में 1000 गोलियां दाग सकती है और इस साल निर्माणी ने 235 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। मैकगन भारतीय सेना के साथ साथ टैंकों, हेलीकॉप्टरों और नौसेना के जहाजों में भी इस्तेमाल होती है। यह 7.62x51mm कैलिबर की है, 1255mm लंबी है और बिना मैगजीन के 11 किलो वजन की है। इसकी मारक क्षमता लगभग 2 किलोमीटर है। निर्माणी में विभिन्न प्रकार के रिवॉल्वर, कार्बाइन और अन्य हथियार भी बनाए जाते हैं। निर्माणी के महाप्रबंधक सुरेंद्र पति ने बताया कि बाईपोर्ट MMG का निर्यात ऑर्डर एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, जो निर्माणी की क्षमता और गुणवत्ता को दर्शाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने की बजाय मक्के से एथेनॉल तैयार करने की योजना बना रही है। इसके लिए कृषि विभाग और चीनी मिल संचालकों के बीच बातचीत हुई है। प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र में मक्के का रकबा निश्चिन्हित किया जाएगा और 4 वर्षों में इसे 2 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य है। मक्का विकास उपकरणों पर अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 15 कंपनियां एथेनॉल का उत्पादन करती हैं, जिनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। यह पहल केंद्र सरकार के पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। मक्के को एथेनॉल उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। सरकार ने इस योजना के लिए 27.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस पहल से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर से दुनिया को परिचित कराने वाला उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का दूसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए व्यापक तैयारियों का निर्देश दिया है और बताया कि इस वर्ष की थीम सोर्सिंग का अद्वितीय मंच होगी। वियतनाम पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग करेगा और वियतनाम के उच्च कोटि के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। 2500 से अधिक एग्जीबिटर्स पंजीकृत हो चुके हैं। इस आयोजन में बड़े उद्योग, IIT, ITS, MSME, स्टार्टअप, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, ODOP आदि सेक्टरों के उद्यमियों को वैश्विक मंच मिलेगा। 5 दिवसीय इस ट्रेड शो में नॉलेज सेशंस, फैशन शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के माध्यमिक स्कूलों का सिलेबस कम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम का अनावश्यक भार घटाया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को मूल्यपरक कौशल आधारित शिक्षा पर केंद्रित करना चाहिए। परीक्षा मॉडल में बदलाव कर रटने की प्रवृत्ति को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। CM ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल की प्रगति की समीक्षा करते हुए पहली और दूसरी कक्षा में NCERT पाठ्यक्रम लागू करने की बात कही है। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में वार्षिक परीक्षाएं 15 मई तक पूरी करने और हर विद्यालय में खेल का मैदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। एक जिला एक विश्वविद्यालय का लक्ष्य रखते हुए नामांकन दर 10 साल में 25% से 50% बढ़ाने का लक्ष्य है। आजमगढ़ में राहुल सांकृत्यायन के नाम पर शोध पीठ स्थापित करने और कृषि शिक्षण संस्थानों के विनियमन के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जैसी संस्था की स्थापना का सुझाव दिया है। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। यूपी नीड UG काउंसलिंग 2024 की प्रक्रिया 20 अगस्त से शुरू हो रही है। मेडिकल, डेंटल और आयुष स्नातक कोर्सों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी किया गया है। उम्मीदवार 20 से 24 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे और आवश्यक अभिलेख अपलोड कर पंजीकरण की राशि जमा कर सकेंगे। 24 अगस्त को ही मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। 25 से 29 अगस्त तक उम्मीदवार अपने मनपसंद मेडिकल और डेंटल कॉलेज का विकल्प भर सकेंगे। 30 अगस्त को सीट आवंटन की सूची जारी होगी। पहले चरण की प्रक्रिया 5 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। यूपी के टॉप संस्थानों की लिस्ट और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। MBBS की 10,500 और BDS कोर्स में 2200 सीटें उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को काउंसलिंग में भाग लेना अनिवार्य। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य जरूरी खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।